अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ मानूर मलिक और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं लजीज़ा की मीठी रिवायत। जी, जैसे कि आप इसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जितना ये मीठा है उतना ही ये रिवायती, और 1985 से ये अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए, अपनी प्योरिटी एंड क्वालिटी को बरकरार रखते हुए हमारे कल्चर का पार्ट बन चुका है। ये अपनी वास्ट वैरायटी लेकर आ चुका है, जैसे कि रसमलाई, शीर कोरमा, खीर, और आज जैसे हम बना रहे हैं इनका बड़ा ज़बरदस्त सा कुल्फा खोया। सुनते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि तीन वैरायटीज अवेलेबल हैं, जिसमें से एक है बादामी, एक है पिस्ता, आज हम बना रहे हैं इनका स्टैंडर्ड कुल्फा। तो चले शुरू करते हैं। मैंगो को हल्का सा प्रेस करेंगे और मज़े से गुठली निकाल लेंगे। अब गुठली पर से गूदा सारा हटाकर इसकी प्यूरी बना लेते हैं और शेल को फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो मैं जाती हूँ, इनको रखती हूँ फ्रीजर में, इसको घुमाती हूँ ब्लेंडर में और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। प्यूरी तैयार है। पैन में दूध शामिल करके गरम करें। 1 लीटर दूध उबलने रख दिया है। अब इसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून मक्खन डालना है। मार्जरीन आपने इस्तेमाल करना है, सॉल्टेड, अनसॉल्टेड, ये आपकी टोटल चॉइस है। ठीक है, आपने पकाना इस तरह से कि 15 से 20 मिनट तकरीबन आपको लगेंगे इसको बनाने में, और 3 से 5 मिनट आप इंटरवल पर हल्का हल्का आपने से चम्मच चलाना है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा, आपने क्या करना है, अपना जो कुल्फा खोया मिक्स है आपने वो पैकेट निकालना है और छट से इसमें मिक्स कर देना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारा कुल्फा बनाने का आ चुका है, और लजीज़ा का कुल्फा खोया के बगैर ये बन ही नहीं सकता। तो मैं बताती जाऊँ इसकी, इस वक्त वैसे तो 3 वेरिएशंस है, एक पिस्ता भी है, एक बादामी में भी है, पर हम आज इनका स्टैंडर्ड कुल्फा मिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप ऊपर देखें, इसकी साइड पे भी लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है कि इन्होंने साथ में 2 कुल्फा मोल्ड्स भी दिए हैं। ये 6 से 8 सर्विंग के अकॉर्डिंग बनेगा। तो चले शुरू करते हैं, बनाते हैं इसको फिर। अरे वाह, 2 मोल्ड प्लास्टिक के। ये 1985 से अपनी रिवायत को इसी तरह बरकरार रखते हुए हम इसके फ्यूजन तो बना रहे हैं साथ में, लेकिन जो इसकी अपनी कल्चर का मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ का नहीं है। कल्चरल फील बहुत अच्छे से देता है। लजीज़ा कुल्फा खोया का आज हम बना रहे हैं स्टैंडर्ड मिक्स। तो आज जो हम इसका स्टैंडर्ड मिक्स बना रहे हैं, इसके अंदर ऑलरेडी चीनी है, इलायची है, बादाम है और पिस्ता है। तो चले शुरू करते हैं बनाना। लजीज़ा का कुल्फा खोया, अब इसका ये पैकेट हम दूध में ऐड कर देंगे। 5 मिनट के लिए हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम डालेंगे इसको जग में। अब इसमें ऐड करेंगे हम मैंगो प्यूरी। अब हम डालेंगे ब्रेड के स्लाइसेस, ये 2 मीडियम स्लाइसेस हैं, आपने इसके किनारे काट लेने और आराम से आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। बेटर यही है कि आप सब कुछ इकट्ठा ब्लेंडर में डालें और फिर ब्लेंड करने के लिए लगा दें। मोल्ड्स में कुल्फा मिक्स पोर कर रही हूं। अब इसी तरह मैंगो शेल भी पोर करेंगे। लजीज़ा की कुल्फा खोया मिक्स तैयार है। आई कांट वेट टू ट्राई इट, बट बिफोर दैट हमें इसको फ्रीज करना ज़रूरी है। तो अभी हम इसको 4 से 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रखते हैं, फिर एंड रिजल्ट्स आपको दिखाते हैं। जी, लजीज़ा की मीठी रिवायत की आज एक और एपिसोड एंड होती है, और आज हमने बनाया था लजीज़ा का कुल्फा खोया। वैसे तो इनके 3 फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, बादामी, पिस्ता, आज हमने बनाया था स्टैंडर्ड इनका। और क्या कुल्फे बने हैं, लाइक एक हमने बनाया इनका स्टफ्ड कुल्फा, एक हमने बनाई है इनकी अपने मोल्ड इस्तेमाल करते हुए कुल्फी की कोन। बस आपने क्या करना है, जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं आपने इसी तरह से फॉलो करना है। मैंगो स्टफ को बस आपने एंड में फ्रीज़र में रखना है, उसको आपने पील करना है, कट करना है और आपने ट्राई करना है, इसका फीडबैक देना है और बताना है कि आज की रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। इसके साथ ही एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।